सीजन पार्टी लॉन्च लाया महाबचत ऑफर, अपनी शादी को बनाए यादगार। द फोर सीजन पार्टी लॉन्च के साथ मेक योर इवेंट मेमोरेबल। 785 महावीर चौराहा नूरुल्ला रोड करौली प्रयागराज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। सत्ता के रसूख में मंत्री जी ने बदल दिए पूरी गली के रंग, करवा दिया भगवा। एक कहावत है, सयां भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। यह कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। प्रयागराज के बहादुरगंज मोहल्ले में जहां योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का आवास है, 12 जुलाई 2005 को नंदगोपाल गुप्ता नंदी के ऊपर बम से हमला हुआ था, जिसमें नंदी को पुनर्जीवन मिला था। हर वर्ष 12 जुलाई को मंत्री नंदगोपाल गुप्ता अपना पुनर्जन्म दिवस मनाते हैं, और जिस पुराने घर की गली में उनके ऊपर हमला हुआ था उस गली का भी वह कायापलट करवाते हैं। मंत्री जी ने इस बार पूरी गली को भगवा रंग कर रंगवा दिया, हर उस घर को भी भगवा करवा दिया जो उस गली में बना हुआ है। अपनी इच्छा हो ना हो पर मंत्री जी ने रसूख के आगे आप बेबस और लाचार हैं अपने घर को भगवा रंग में रंगवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यह वह गली है जिसको मंत्री जी ने भगवा करा दिया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक परिवार अपने घर का भगवाकरण होने के कारण विरोध कर रहा है, तो सड़क पर नीचे खड़े लोग जो मंत्री के कहने पर गली की रंगाई पुताई कर रहे हैं, वह लोग उस परिवार को मारने की धमकी देना शुरू कर दिए हैं। रविंद्र गुप्ता पीड़ित का कहना है कि मंत्री नंदी के मौसी के लड़के कमल केसरवानी अब आए, अब शब्द बोला और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बताया और कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं उसी मोहल्ले में रहने वाले पशु चिकित्सक जीवन चंद्र ने मंत्री नंदी के ऊपर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है कि उनके पुनर्जन्म दिवस पर कलर करने को बुलाए हुए आदमियों को अपना घर रंगने को रोके तो उनके साथ मारपीट की, और उनकी तहरीर को पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज। और क्या वजह है? देखिए, मैं बहादुरगंज का निवासी हूँ, मेरा नाम रवि गुप्ता है, और चूंकि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो है वो हर साल पुनर्जन्म महोत्सव कराते हैं, और उसमें ये तरह तरह के मतलब अपना आयोजन करते हैं। अब की जो है इन्होंने किया क्या कि मंदिर जहाँ मैं रहता हूँ उसी से 10 मकान मतलब उसी रोड पर मंदिर भी है, तो पूरी रोड को कम से कम 50 मकान जो मेन गली में है पूरी भगवा करा दी है। और हमने कहा भाई देखिए ऐसा है कि हम कलर ये नहीं कराएंगे, हम अपना दूसरा कलर कराएंगे। तो उस समय तो कुछ नहीं किए, लेकिन कल 4 बजे भोर में पेंटर एंटर आए और रंगना शुरू कर दिए। हमने मना किया कि भाई आप बगैर हमारे पूछे क्यों रंग रहे हैं, हम लोग इसकी कलर नहीं चाहते हैं, आप क्यों कर रहे हैं भाई, हम हिंदू हैं लेकिन हाँ ये आस्था हमारी भी है भगवान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवा पूरा कलर करा के बैठ गए। पूरा मंदिर हमारे घर को देखें, पूरा मंदिर की तरह पूरा रंग दिया लाल लाल। तो फिर जब हमने उनको डांटा जो पेंट कर रहे थे तो वो पीछे हटे, उसके बाद फिर उन्होंने और लोगों को आवाज़ दिया, तो उसमें कम से कम 20-25 लोग जिसने नंदी के मौसी के लड़के कमल कुमार केसरवानी निवासी मुट्ठीगंज ये भी थे, उनकी सह पे सब आए, गाली गलौज किए, ईंटा पत्थर चलाए और उस पेंटर के हाथ से छीन के ब्लोअर, और मतलब हमारे घर पे पूरा उसको रंग दिया। वाइफ से हमारी बदतमीजी की और हमसे बड़ी बदतमीजी की। वो घटना हमने वीडियो अपलोड भी किया है, सारी घटना हमने रिकॉर्ड की है, कोई मौखिक नहीं थे, किसी के आरोप लगा रहे हैं। पूरी गुंडई खुली, 4 बजे हुई है, रंग चले गए, जो करना है कर लो, कोई कुछ नहीं किया, जान से मारने की धमकी भी दी। इसके पहले भी हमको एक बार इन्होंने मारा था तो हमने FIR नहीं की थी लोकसभा चुनाव में, तो वही लाला जो इनके मौसी के लड़का कहा एक बार तुम्हारा मुंह फोड़ा था और दोबारा तुमको जान से मारेंगे, तो कहते हुए तो हम वीडियो बनाने लगे कि देखिए कह रहे हैं, तो लाला जाने लगे, वीडियो में लाला भी है, सब दिखाई पड़ रहा, उसमें सब लोग पूरा एकदम क्लियर वीडियो हमने बनाया है, एक एक सेकंड का वीडियो। तो बाप की क्या मांग है इसको? मांग यही है कि जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए ऐसे, या फिर हम लोग से कह दिया जाए हम लोग भाई अगर ऐसी आतंक है और लाल कलर कराना ही है तो हम लोग घर छोड़ के कहीं अन्यंत्र चले जाएं, प्रशासन बता दे हम लोग कहीं घर छोड़ के चले जाएं, मंत्री जी रहे वहाँ पे पूरा, उनको चाबी दे दिया जाए, वो चाहे काला कराए चाहे लाल कराए चाहे हरा कराए। क्या नाम आपका? हमारा नाम रवि गुप्ता है। क्या है
फिलहाल पूरी गली में मंत्री जी ने अपनी इच्छा अनुसार भगवा रंग करा दिया है। अब उस गली और वहां के रहने वाले लोगों की हिम्मत नहीं है कि वह मंत्री जी का विरोध कर सके। एक परिवार ने विरोध करने की कोशिश की, उसे भी मारते पीटने की धमकी देकर शांत करा दिया गया। सत्ता अपनी ताकत अपनी तो फिर डरना किसे, सत्ता के नशे में चूर मंत्री जी यह भूल गए हैं जो इंसान अपनी जमा पूंजी लगाकर घर बनाता है उस घर को वह किस रंग में रंगे यह उसकी अपनी इच्छा होती है, ना कि कोई सत्ता और सरकार इस बात का निर्धारण करती है कि हम अपने घर का रंग किस रंग में रंगेंगे। लेकिन अब मंत्री जी से सवाल पूछे भी तो कौन। सरकार की एक जो है दबंग मंत्री कही है जो है नंदगोपाल गुप्ता नंदी, उनके मौसी का लड़का जो है वो जिस तरीके से जो नंदी के घर को जाने वाली जो गली है उस पूरी गली के सारे लोगों का घर जो है उन्होंने कहा कि भगवे कलर में रंग दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खुश करने के लिए उन्होंने पूरे घरों को भगवा करा लिया, तो उसमें कई लोगों ने जो है इसका विरोध दर्ज कराया। ये बात सच है कि आज भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं लोग जो है मुकदमा करने में और इनकी शिकायत करने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। तो रविंद्र गुप्ता जो समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर सचिव भी रहे हैं, उनके घर को भी इन लोगों ने पोतने का प्रयास किया, इन्होंने मना किया। तो कल सवेरे 4 बजे आकर के इन लोगों ने पूरे दबंगई के साथ में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के मौसी के लड़के के साथ में कई लोग आए और उन्होंने ज़बरदस्ती उनके घर को पेंट करने लगे। उनके बगल में घर वाली एक महिला ने भी कल एक FIR कराई है। इस तरीके से पूरे गली के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दबंगई है, ज़बरदस्ती है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, हमारा घर है किस कलर में हम कराएंगे, आप कौन होते हैं तय करने वाले, हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे किस कलर का पहनेंगे ये आप तय नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता 2022 में इनको ज़रूर सबक सिखाने वाली है, 2022 में इसका जवाब जनता देगी। मैं संदीप यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, योजना सभा इलाहाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब।